नमस्ते सस्काल एंड केम छो, दिस इज शेफ वर्षा। आई वेलकम यू टू माई चैनल वर्षा बेक एंड कुक स्टूडियो। इन टूडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू लाइन अ केक मोल्ड, अ रेक्टेंगल केक मोल्ड, स्क्वायर और राउंड वन। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द राउंड वन। फॉर लाइनिंग अ राउंड केक मोल्ड, टेक वन पर्चामेंट पेपर, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ केक मोल्ड। Now cut the paper in circle shape. इस मेथड से आप कोई भी साइज के राउंड केक मोल्ड की लाइनिंग कर सकते हैं। हाफ किलो, वन किलो, टू किलो, एनी साइज यू कैन जस्ट मेक अ राउंड सर्कल। Now take one rectangle strip. Rectangle strip को 1/4 में fold कीजिए। Fold करने के बाद उसको cut कर दीजिए। Now you have a small strip. The length of the strip should be the diameter of the cake mold. आपके पास अभी strip ready है तो उसके थोड़े से नीचे की side से fold कीजिए और आपके पास अभी आपकी strip रेडी है कट करने के लिए। नाउ थोड़ा सा स्लांटली कट कर दीजिए, जहाँ से आपने फोल्ड करा है वहाँ तक, जिससे आपके जो स्ट्रिप्स हैं वो फोल्ड करने में इजी होंगे। एज तक कट करने से ये पूरा अंदर सेट बैठता है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से कट करते हैं। नाउ हम इसको अपने केक मोल्ड में लाइन करेंगे। यू कैन सी आपने जो एजिस तक कट करा है, जिससे वो पूरा केक मोल्ड से फिट आ गया है। अब जो हमने बेस कट करा है वो भी हम इसमें रख देंगे और हम केक मोल्ड को ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फॉर लाइनिंग एनी स्क्वायर और रेक्टेंगल ट्रे और मोल्ड, जस्ट टेक वन पर्चामेंट पेपर, जस्ट चेक द साइज ऑफ द ट्रे। Now, do one thing, just make marks for slant cutting at the corners. Now, grease a tray and place that paper and slit from the corners. Now, place the paper on the grease mold or tray. Just fold the corners inside so that you have proper sharp corners for the cake.